अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम मुजफ्फर तेजा और तुम देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं एक और वॉक के उत्ते आया, इनू कहते ने वाटर ग्रोव रिजरवायर। एक ट्रैक आ गैन, ये भी एक रिजरवायर के सराउंडिंग घूमता है। छोटा जहा रिजरवायर आ और ट्रैक भी कोई इतना लंबा नहीं है, 3.2 किलोमीटर लॉन्ग आ। और ये रॉसडेल का एक इलाका है, वॉर्डल उस मौजूद आ। आज 8 अप्रैल 2021, अप्रैल के हिसाब ना तो हम गर्मी शुरू हो जानी चाहिए थी, बट इंग्लैंड का वैदर इदा ही है, एक्सट्रीमली ठंड हो गई है। कुछ दिन पहले बर्फ भी पई सी, तो हुण हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। थोनों भी शायद माइक दे विच आवाज़ कैच हो रही हो। अपने ट्रैक नू फॉलो करते हुए असी को लम्बा चौड़ा सफर तो नहीं तय किया, हले 10 मिनट हो गए ने। लेट्स सी हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंप्लीट दिस ट्रैक। श्योर के यह ट्रैक यूजली इन्ना क्वाइट हों, बट अज इतने बहुत क्वाइटनेस आ। मैं 2-3 बंद मैंने टकरे ने, तो दोवें अपने देसी से, उन्होंने खलो के गपशप लगी है। खूबसूरत आ, क्वाइट आ। अगर से देख सकते हो ट्रीज हले ना विंटर की वजह तो झड़ झुड़ जाते हैं पत्ते, लेकिन ताज़ा ताज़ा कोपलां निकल रही ने। तो उम्मीद है कि होर 2-3-4 हफ्तों तक ना हरियाली हो जाएगी, बड़ा खूबसूरत हो जाएगा ट्रैक। अगर इंशाल्लाह टाइम मिले तो जो ये हरियाली वगैरह होगी ना उदो भी कोशिश करूँगा मैं चक्कर लावा। सो 30 दे विच ना इस एरिया दे विच एक ड्रॉट आ गया सी, मेरे ख्याल जिन्हों खुशकसाली कहते हैं, तो उहदी वजह तो इत्थे करीबी इलाका है ओल्डम, उत्थों ना रेगूलरली पानी मंगवाना पैंदा सीगा इस एरिया की जरूरत जरूरियात नूं पूरा करन वास्ते। इस वास्ते उस एक खुशकसाली तो बाद इन्होंने फैसला किया कि रिजरवायर बनाया जाए। इस जगह नूं चूज़ किया गया, बट उस टाइम तो लैके हुण तक रिजरवायर इत्थे बनया होया और इलाके की पानी की जरूरियात ने पूरा कर रहा। इतने तकरीबन हर वॉकिंग ट्रैक के उत्ते ना जगह जगह पर इदा के बेंचेस बने हुए होंगे ने, तो उन्होंने बेंचेस के उत्ते किसी ना किसी बंदे की कोई मेमोरियल लिखी हुई होंगी है कि एक किसी याद बनाया गया। बहुत अच्छा काम होंगे है कि जो लोग वॉक कर रहे होंगे ओबियसली थक जाते, उन्होंने बहन दिल करता, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव होंगे लोगों के मेमोरियल वास्ते, किसी याद रखने वास्ते बनाए जाते। इंग्लैंड के बारे जानते हैं ना, उन्होंने पता है इतने वैदर हमेशा ही इदा का होंगे, हवा चल रही है, ठंड है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल होंगे। अगर तुम यहोजे काम करने ना, वॉक वगैरह करनी है, कोई रनिंग करनी होंगी है, जिम वगैरह जाना है, तो तुम वैदर को कदे भी शामिल हाल ना रखिया करो, या की कहते होंगे कि उजर ना बनाया करो, क्योंकि अगर तुम कुछ करना है ना तो करना है, वैदर इतने इदा ही रहना है।
लिहाजा वैदर नूं भी कदे ना उजर नहीं बनाउणा। यू वांट टू डू समथिंग, डू इट। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, 40 ਮਿੰਟਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 3.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਰਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਟਰੈਕ ਨੂੰ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਸਾਫ਼ ਉਹ ਸ਼ਫਾਫ ਹਵਾ, ਪੁਰਸਕੂਨ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ। ਇਟਸ ਵਰਥ ਇਟ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਅੱਧ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਐਂਬੈਰੇਸਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਾਬ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੌਲਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਦਰਖਤ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾ
उन्होंने एक किस्म का इस राह ढकया होया बड़ा ना शाही प्रोटोकॉल टाइप फीलिंग आ रही है इतों गुजरते हुए। फिर तुम जो इमेजिन करो ना जो समर आ जाएगा सारे ये दरखत हरे भरे हो जाएंगे उदों ये राहदारी कितनी खूबसूरत लगेगी। हुण तक मैं जिन्हें ट्रैक्स के उत्ते गया हाँ ट्रैक्स सब तो ज़्यादा खूबसूरत मैं लग रहा बहुत सारे जो हाईलाइट्स ने उन्होंने एक जी है वह फ्री कार पार्क आ मेजोरिटी ऑफ द ट्रैक्स जोड़े इतने होंगे ने अराउंड द रिजरवायर उन्होंने उत्ते फ्री कार पार्क होंगी है लेकिन एक हैगा आ ओल्डम मैं ना नहीं जेन च आ रहा बहुत खूबसूरत आ उत्थे भी नैक्सट टाइम जावगा वो वीडियो बनावगा लेकिन उत्थे पेड आ पे इन डिस्प्ले कार पार्किंग तो बेहतर होंगे कि थोड़े पैसे लिया जेब पा के लैके आओ लेकिन इस ट्रैक की ब्यूटी ये है फ्री कार पार्क। अच्छा हवा बहुत चल रही है जो मैं कितने दरख्तों के झुंड जहाँ आ जाना ना उदों नहीं फील आती हैगी लेकिन जो ओपन जगह पर आना ना उदों बहुत फील होती है। मैं हूँ जिस ट्रैक के उत्ते चल रहा ना ये पैदल चलन वास्ते हैगी पगडंडी जी लेकिन अगर तुम देखो इस दीवार की दूसरी साइड पर भी ना रस्ता आ तो वह वड्डा आ लाइक रोड टाइप है वो उत्थे मेरे ख्याल कारा वगैरह दे जान की सहूलत मुहैया की गई है लेकिन आ जड़ा आ जाहिर आ वो कच्चे पक्के रस्ते जिवें अपने पिंड थावां ते हुंदे आ ये उदां दा आ ये बस उस दीवार दे नाल नाल चल रहा। सानू एक घंटा और 15 मिनट लगे ने तकरीबन 3.5 किलोमीटर कीता ऑल डन। तो जी ट्रैक अपना कंप्लीट हो गया तकरीबन कोई सवा घंटा लगा और 3.5 किलोमीटर असी वॉक कीती है। अगर तुम इस एरिया रहने हो तो इतने जरूर आओ बहुत ही खूबसूरत जगह आ वॉक करने वास्ते भी बड़ी अच्छी फैसिलिटीज बनी हुई ने और अगर थोड़ा वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इन्हें लाइक करो शेयर करो अपने यार दोस्तों के नाल और अगर तुम चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब कर लो बिकॉज दैट्स हाउ आई गेट द एनकरेजमेंट टू मेक मोर वीडियोस। अपना बहुत सारा ख्याल रखियो थोड़ा मुलाकात होगी अगली वीडियो के अल्लाह हाफिज़।